हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, काफी सारे पीपल बार बार कमेंट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मैं किसी भी पर्सन का, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई भी पर्सन हो, जब चाहूं मैं अपने मोबाइल से उसका पूरा कॉल डिटेल्स निकाल सकूं। चाहे 6 महीने का कॉल डिटेल्स निकालना चाहूं या फिर साल भर का या फिर 2 महीने का, जितने का मन हो उतना का मैं अपने मोबाइल में ही कॉल डिटेल्स निकाल सकूं और ये पता कर सकूं कि वो बंदा या वो बंदी किससे कब कितना देर बात करती है और कितना बार कॉल करती है किसी भी फ्रेंड को, किसी भी पर्सन को, पूरा कॉल हिस्ट्री में निकाल सकूं। वहीं पर काफी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई क्या मैं किसी के भी मोबाइल नंबर के जो IMEI नंबर होता है, उस IMEI नंबर को डाल करके किसी भी वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन में उसका कॉल डिटेल्स पता कर सकते हैं या फिर नहीं। या फिर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करते हैं कि भाई किसी के भी मोबाइल नंबर को OTP मंगा करके या फिर मोबाइल नंबर डाल करके उसका कॉल डिटेल्स पता कैसे करें। तो भाई आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा कि क्या वाकई में आप किसी के भी कॉल डिटेल्स को बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो फिर कैसे। सारी जानकारी, सारी रियलिटी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को केयरफुली देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग ऑनलाइन इंटरनेट पर, गूगल पर जाकर के या फिर यूट्यूब पर जाकर के सर्च करते होंगे कि किसी के भी कॉल डिटेल्स को कैसे निकालें या फिर किसी भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स कैसे पता करें, तो आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाती होंगी, यूट्यूब पर और गूगल पर भी आर्टिकल देखने को मिल जाती होंगी। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, काफी सारे जो पीपल होते हैं वो नादान होते हैं, नासमझ होते हैं। पता नहीं क्यों एक बार एक वीडियो को उन्होंने देखा और उस वीडियो में जो प्रोसेस बताया गया है उसी प्रोसेस को वो फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं भाई ये प्रोसेस सही है और इस बंदे ने कॉल डिटेल्स को निकाल करके बता दिया है। वहीं पर आर्टिकल भी एक ही बार एक ही आर्टिकल को रीड करते हैं और उसी प्रोसेस को फॉलो करने लगते हैं, जो कि ये नादानी है, मतलब कि ये एक तरह की नादानी है, ना समझ है। देखिए दोस्त मैं आपको बता दूं, YouTube पर जब आप वीडियो सर्च करते होंगे कि किसी भी पर्सन की कॉल डिटेल्स कैसे निकालें, तो क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि YouTube पर आपको क्या बताया जाता है या फिर Google पर आपको जब सर्च करते हैं तो आर्टिकल में क्या लिखा हुआ आपको दिखता होगा। वहां पर आपको दिखता होगा कि भाई इस वेबसाइट पर जाए, यहाँ पर आप उनका मोबाइल नंबर डालें, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपसे परमिशन मांग रहा है, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आप डाल दें तो पूरा कॉल डिटेल्स आपको दिखा दिया जाएगा उस पर्सन का। उसके बाद दूसरा तरीका, दूसरा मेथड ये भी बताया जाता होगा आपको कि भाई आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और इसमें आप उनका मोबाइल नंबर डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर डालिए जिनका आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पता करना चाहते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता करना चाहते हैं कि कितने पर्सन से कॉन्टैक्ट कर रखा है उस बंदे ने या बंदी ने, कब किससे क्या क्या बातें करता है, कितनी देर तक बातें करता है, सारा कुछ इसी एप्लीकेशन से पता करें। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा आपको बता देते हैं और इसके पीछे की रियलिटी उन लोगों को पता होती है या फिर नहीं, और अगर होती है शायद होती भी होंगी लेकिन जानबूझ करके आपको नहीं बताते होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्यों ऐसा बता देते हैं फेक वीडियो बना करके कि आप इस तरीके से किसी का भी कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ रियलिटी, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते होंगे तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए होंगे और ओपन किए होंगे तो वो जो एप्लीकेशन है आपसे कुछ ना कुछ तो परमिशन जरूर मांगती होगी, यहां तक कि आपका कॉल डिटेल्स का परमिशन, कॉल लॉग्स का परमिशन, एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन, पूरी तरह से आपके पूरे मोबाइल का परमिशन मांग लेती है और आप उसे अलाउ करते चले जाते हो, क्योंकि आप लोगों को उस बंदे ने बता रखा है यूट्यूब पर और आपने एक ही बार में विश्वास भी कर लिया, इसलिए आप अलाउ करते जाते हो, ठीक है। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी क्या है ये आप लोग ना तो सोचते हो और ना ही आपको बताया गया है, क्योंकि आप लोग नादान हो यार। तो देखिए मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उस एप्लीकेशन को पूरा परमिशन देते हो अपने मोबाइल फोन का, तो वो एप्लीकेशन क्या करती है, देखिए करती क्या है, आपके मोबाइल में जितने भी कॉल लॉक्स होते हैं या फिर डायल कॉल होते हैं, जहां पर आप कॉल वगैरह नंबर डायल करके कॉल लगाते हो, या फिर कॉल लॉक्स होते हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं, वो सारे के सारे अपने सर्वर पर स्टोर कर लेते हैं। अब ये तो पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि वो एप्लीकेशन आपके सारे कॉल लॉग्स को अपने सर्वर पर स्टोर करती है या फिर नहीं, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिसने इस एप्लीकेशन को या फिर कोई भी एप्लीकेशन को बनाया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके नंबर को, आपके पूरे डेटा को अपने सर्वर पर स्टोर भी करता है या नहीं। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, जब आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो ये तो कंफर्म है कि
जब आपने सारा परमिशन दे दिया है अपने मोबाइल फोन में उस परमिशन उस एप्लीकेशन को, तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि उस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे, और यूट्यूबर काफी सारे यूट्यूबर्स आपको बताया भी करते होंगे कि देखिए ऐसे ओपन कीजिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए और पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपके सारे डेटा को अपने सर्वर पर स्टोर करके रखता है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन उस टाइम जिस टाइम आप उसको ओपन करते हो सारा परमिशन दे करके, तो उस वो एप्लीकेशन क्या करती है आपके मोबाइल के सारे डिटेल्स को फेच कर लेती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप नंबर डालते हो तो वो क्या करती है आपके सारे डिटेल्स को फेच कर लेती है। ठीक है, मान लीजिए आपने ओटीपी डाल दिया या फिर आपने मोबाइल नंबर डाल करके फेच किया, तो वो क्या करेगी आपके मोबाइल के जितने भी सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट होंगे, आपने किससे कितना देर बात किया है, कितना बजे कॉल किया है, कितना बजे आपने कॉल को रिसीव किया है, आउटगोइंग कॉल कब का है, उसके बाद इनकमिंग कॉल कब का है, कितने मिनट कितने सेकेंड आपने बात किया है, ये सारा कुछ आपके ही मोबाइल का डिटेल्स फेच करके आपके सामने ला करके रख देती है। अब ये आप मुझे बताइए कि भाई ये कितना खतरनाक चीज हो सकता है, क्योंकि देखिए आपने जो भी जिससे भी जितना देर बात किया है, क्या क्या किया है क्या नहीं किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो एप्लीकेशन आपके सारे डिटेल्स को फेच कर रही है और आपके सामने ला करके रख रही है। अब ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि वो जो कंपनी है, जो कंपनी उस एप्लीकेशन को बनाई है, वो जो कंपनी है आपके सारे डिटेल्स को सारे डाटा को अपने सर्वर पर स्टोर भी करती है या फिर उस डाटा को सेल भी करती है, कहीं कुछ गलत मिसयूज तो नहीं करती है उस डाटा का, ये मैं नहीं बता सकता और आप भी नहीं बता सकते। तो इस कंडीशन में इस सिचुएशन में होगा क्या कि आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा यार कि अगर आप लोग YouTube पर वीडियो देखते हो कि किसी भी पर्सन का कॉल डिटेल्स घर बैठे कैसे निकाले कैसे चेक करें, या फिर कुछ ऐसा आर्टिकल सर्च करते हो YouTube सॉरी गूगल पर जाकर के, तो वहां पर बहुत तेरे आपको वीडियो आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या फिर कोई बंदी नहीं है जो कि आपको ये बता दे कि इस तरीके से आप लीगली तरीके से कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वहां पर जितने भी आर्टिकल आपको नजर आएंगे गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, जितनी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, वहां पर आपको कोई भी रियल तरीका नहीं बताया जाएगा, और जो भी तरीका बताया गया है उससे आप किसी भी पर्सन का कॉल डिटेल्स नहीं निकाल सकते, उस पर्सन का कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका ही कॉल डिटेल्स फेच करके और आपको ही आपके मोबाइल में दिखा दिया जाएगा। तो भाई कॉल डिटेल्स है क्या, मतलब कि कहाँ कैसे हम निकाल सकते हैं कॉल डिटेल्स? तो भाई अब आपके माइंड में भी ये सवाल तो आ रहा होगा ना कि आपने तो ये कथा कह दिया कि भाई कॉल डिटेल्स आप पता नहीं कर सकते इस तरीके से, तो फिर कैसे कैसे पता करेंगे, क्या ये पॉसिबल है मुमकिन है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आमतौर पर हम लोगों के लिए या फिर आप लोगों के लिए कॉल डिटेल्स किसी भी मोबाइल नंबर का निकालना पॉसिबल है ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, किसी भी वेबसाइट पर जाओ, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आप जब प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिएगा कॉल डिटेल्स तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, मुंह उठा करके आपके सामने आ जाएंगे कि भाई मुझे इंस्टॉल कर लो, मुझे इंस्टॉल कर लो, मैं कॉल डिटेल्स निकाल करके आपको दिखा दूंगा। और सबसे मेन बात यह है कि वहां पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन को ये भी देखने को मिलेगा कि उसका जो रेटिंग है 4 पॉइंट कुछ है 4+ है और मिलियन में डाउनलोड हो रखा है। तो भाई ये तो दुनिया है और दुनिया जिधर जा रही है सभी लोग उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, एक पर्सन जिधर जा रहा है उधर ही सभी लोग जा रहे हैं, तो आपको उधर जाना नहीं है, आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, उस वेबसाइट पर आपको किसी भी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करना है, वरना आपको ही प्रॉब्लम होगी, दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात आती है कि कैसे कॉल डिटेल्स को निकाला जा सकता है। तो भाई आप लोग और हम लोग तो मैंने पहले ही बता दिया कि कॉल डिटेल्स पता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक तरीका है कॉल डिटेल्स चेक करने का, निकालने का, किसी भी पर्सन का, चाहे 6 महीने का निकालो या फिर साल भर का या फिर 2 महीने का, 1 महीने का या फिर 10 साल का। तरीका क्या है? तो तरीका यह है कि कॉल डिटेल्स किसी भी पर्सन का वही निकाल सकता है। कौन? पुलिस वाला। जी हाँ, सिर्फ पुलिस वाला ही कॉल डिटेल्स निकाल सकता है, या फिर जो आप सिम यूज करते हो ना उस सिम का जो कंपनी है, उस ऑपरेटर का जो कंपनी है, वही कॉल डिटेल्स देख सकता है, इसके अलावा थर्ड पर्सन नहीं देख सकता। देखिए अगर आप किसी क्राइम में फंस गए हो या फिर कोई आप पर इल्जाम लगा है या फिर कुछ किसी भी कारणवश आप पर केस मुकदमा चल रहा है, तो उस सिचुएशन में पुलिस आपका कॉल डिटेल्स निकाल सकती है उस कंपनी के पास जाकर के जिस कंपनी का सिम आप यूज करते हो, या फिर उसे उससे कॉन्टेक्ट करके किसी भी तरीके से कॉल डिटेल्स निकाल सकती है। ठीक है, आप नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ दोस्त, अगर आप पोस्ट पेड सिम यूज करते हो, कोई भी ऑपरेटर का सिम हो, अगर आप पोस्ट पेड सिम यूज करते हो, तो उस सिचुएशन में हर महीने पोस्ट पेड सिम का बिल आता है। वैसे तो आपके ईमेल अकाउंट पर ही बिल कंपनी की तरफ से सेंड कर दिया जाता है, जिस भी कंपनी का आप सिम यूज करोगे उस कंपनी की तरफ से आपको सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से निकालना चाहते हो पोस्ट पेड का बिल, तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिस भी कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हो उस कंपनी का ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है, तो उस कंपनी का ऑफिशियल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप अपने पोस्टपेड सिम का बिल जनरेट कर सकते हैं, यानी कि कॉल डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ये पोस्टपेड के ऊपर डिपेंड करता है, प्रीपेड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप प्रीपेड सिम यूज करते हो, चूंकि काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि प्रीपेड ही इस्तेमाल करते हैं, काफी कम ही लोग ऐसे हैं जो कि पोस्टपेड का इस्तेमाल करते हैं, तो काफी सारे लोग प्रीपेड सिम ही इस्तेमाल करते हैं, तो प्रीपेड सिम का कॉल डिटेल्स निकालना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है आपके लिए और मेरे लिए। कोई भी नहीं निकाल सकता पुलिस के अलावा, या फिर जिस कंपनी का सिम आप यूज कर रहे हो उस कंपनी के अलावे और पुलिस के अलावे कोई भी थर्ड पर्सन प्रीपेड सिम का कॉल डिटेल्स नहीं निकाल सकता। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आपके माइंड से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसलिए अब आप लोग ये सारी वीडियो देखना छोड़ देना, यानी कि यूट्यूब पर या फिर गूगल पर आर्टिकल सर्च करना छोड़ देना कि किसी का भी कॉल डिटेल्स कैसे पता करें, वरना खतरे में पड़ जाओगे यार। तो आज बस। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।